हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर मैं हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आती हूं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी को सिखाती हूं। आज का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही आसान सा, जल्दी से बन जाने वाला और बहुत ही कम ऊन में बनने वाला ये ब्यूटीफुल सा कवर टॉप है। आप इसे नेकलेस टॉप भी बोल सकते हैं, श्रग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्काफ की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल यूज़ है ये वाले टॉप का। आप अपना दिमाग लगाइए, अपने हिसाब से स्टाइल कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। पीछे से भी एक बार इसका लुक देख सकते हैं आप। ये देखिए, आगे और पीछे सेम बुनाई है। किस तरह से बनाना है वो मैं आपको डिटेल में अभी बताती हूँ। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे फाउंडेशन चेन से। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर मैंने केबल यार्न लिया है और 9 नंबर ऑफ हुक लिया है 3.5 mm। ओके, यहाँ पर हम स्मॉल साइज में बना रहे हैं और ये वाला यार्न और ये हुक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं 75 चेन बनाऊंगी फाउंडेशन के लिए। आपको बड़ा साइज बनाना है तो आपको, और अगर आप अलग किसी और टाइप का यार्न और हुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपनी कमर के नाप के अनुसार चेन लेनी होगी। चलिए, तो यहाँ पर हम 75 चेन बनाकर फिर मिलते हैं। तो 75 चेन बनाने के बाद हमें एक और दो चेन और बनानी है और हुक से 3 चेन को छोड़कर चौथी वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। तो फर्स्ट जो 3 चेन है उसे काउंट किया तो हमारे पास यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब हमें तीसरी वाली चेन में तीसरा बनाना है, चौथी वाली चेन में हमें चौथा बनाना है और नेक्स्ट वाली चेन में हम फिफ्थ वाला बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास 5 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। अब हमें 65 चेन्स लेनी है क्योंकि यहाँ पे हमने 75 चेन फाउंडेशन के लिए ली है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट बनाए हैं उसी तरीके से हम ये वाले छोर पर भी 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो बीच में हम 65 यानी 5 + 5 = 10, 75 - 10 यानी के 65 चेन लेंगे। ठीक है, आपने अगर 80 चेन ली है सपोज, तो आपको बीच में 70 चेन बनानी होगी। तो यहाँ पर हम 65 चेन बनाकर फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 65 चेन्स बना ली है। अब जो फाउंडेशन चेन बनाई थी जहाँ पर हमने पहले ये 5 डबल क्रोशेट बनाए हैं उसे इस तरीके से बिना ट्विस्ट किए एंड तक लेकर जाना है। ये देखिए इस तरीके से, और आखिरी की 4 चेन छोड़कर 1, 2, 3 और 4 चेन छोड़कर 5वीं वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, फिर उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर उसकी नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, अगेन नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर आखिर में जो हमारी आखिरी वाली चेन बची होगी फिफ्थ वाली, उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरीके से इसकी लुक आ रही है। ओके, अब नेक्स्ट रो के लिए हमें क्या करना है। सेकेंड रो के लिए हमें पहले 1, 2 और 3 चेन बनाकर इसे घुमा लेना है। फिर ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशेट के ऊपर, क्योंकि हमने 3 चेन बनाई है तो वो फर्स्ट वाला डबल क्रोशेट है। अब सेकेंड डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट, फिर थर्ड वाले के ऊपर एक डबल क्रोशेट, फिर फोर्थ वाले के ऊपर एक डबल क्रोशेट और फिर आखिर में फिफ्थ वाले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बना लेना है। अगेन हम 65 चेन्स बनाएंगे, 1, 2। सो 65 यानी कि 65 चेन बनाने के बाद हमें फिर से अगले छोर पर हमने जो 5 डबल क्रोशेट बनाए थे उसके ऊपर हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है। 2, 3।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशेट बनाकर रो नंबर सेकंड को भी फिनिश कर लिया है। थर्ड रो के लिए अगेन हम 3 चेन बनाकर इसे घुमा लेंगे। ये पांचों डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है। फर्स्ट 3 चेन है वो फर्स्ट डबल क्रोशेट बनेगा, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। 5 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम अगेन 65 यानी कि 65 चेन्स बनाएंगे और फिर से ये वाले छोर पर हमने जो 5 डबल क्रोशेट बनाए हैं ये देखिए यहाँ पर इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशेट बना लेंगे। अगेन 3 चेन बनाकर घूम जाएंगे, फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इसके ऊपर फर्स्ट 3 चेन हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट बनेगा, फिर से 65 चेन बनाकर यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर से 3 चेन बनाकर घूम जाएंगे। यानी कि जो रो नंबर सेकंड हमने जिस तरीके से बनाई उसी तरीके को रिपीट करते हुए हमें यहाँ पर लेंथ हमारी डिस्कवर करनी है। यहाँ पर मैं अपनी जो स्मॉल साइज में मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 36 रो बनाऊँगी। यानी कि ये जो चेन है उसे काउंट करते हुए मेरे पास टोटल 36 इस ये चेन की लड़ियाँ बनेगी। तब तक मैं बुनाई करूँगी, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ। अगर आप बड़ी साइज़ में बना रहे हो और आपको अगर ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप ज़्यादा रो भी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने लेंथ के हिसाब से यहाँ पर टोटल 36 लड़ियाँ आए, इस हिसाब से मैंने बुनाई कर ली है। अब हम शोल्डर के हिस्से में किस तरीके से बुनाई करने वाले हैं वो मैं बताती हूँ। शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बनाकर इसे घुमा लेंगे और नेक्स्ट 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3, 4 और ये बन गया हमारा 5वां। ओके, अब अगेन हम 1, 2 और 3 चेन बनाकर फिर से घूम जाएंगे इस तरीके से और फिर से हम नेक्स्ट 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये 2 बन गए हमारे पास डबल क्रोशेट, अगर फर्स्ट 3 चेन को काउंट किया तो ये तीसरा, ये चौथा और ये इसके ऊपर हम आखिरी यानी कि हमारा 5वां डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेकर यहाँ से धागा काट लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे हमने 2 रो ये 5 डबल क्रोशेट की बुनाई की उसी तरीके से हमने ये वाले छोर पर भी हमारा धागा अटैच कर लिया है और सेम तरीके से यहाँ पर भी हम 2 रो 5 डबल क्रोशेट की बुनेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए दोनों साइड हमारी शोल्डर की बुनाई हो चुकी है और यहाँ पर हमने 36 लड़ियाँ बनाई है। अब ये पीस हमने जिस तरीके से बुनाई की है ये वाले पीस की, सेम इसी तरीके का हमें एक और पीस चाहिए और उसके बाद उस दोनों पीस को हम यहाँ शोल्डर के एरिया से जॉइंट करेंगे। तो मैं दूसरा पीस यही इसी तरीके से बनाकर रेडी करती हूँ और फिर हम लोग मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने सेम 2 पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा 2 लाइन्स बनाई थी 5-5 डबल क्रोशेट की, उसे इस तरीके से एक दूसरे से मिला देना है दोनों ही ओर से। ये देखिए यहाँ पर भी, और इसे या तो क्रोशेट की हेल्प से या फिर सुई धागे की हेल्प से इसे जॉइंट कर लेना है। अगर आप क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए हुक डालना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों ही स्टिचेस में आर पार हुक को डाल देना है और धागा खींच लेना है इस तरीके से और फिर उसे लूप में से निकाल लेना है। अगेन दोनों ही स्टिच में से धागा खींच लेना है और फिर हुक में से निकाल लेना है। तो इस तरीके से स्लिप स्टिच की हेल्प से हमें दोनों ही शोल्डर पोर्शन को जॉइंट कर लेना है। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों शोल्डर्स को मैंने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है और फिर इसे पलट लिया इस तरीके से सीधी साइड दिए, देखिए इस तरीके से दिखेगी। अब हमें ये देखिए ये दोनों जो साइड की जो पट्टी है उसे हमें यहाँ से जॉइंट करना है। तो आपको
अपने ऊपर इसे रख कर फिर अंदाज़ा लगाना है कि आपको साइड में कितनी चेन चाहिए। हो सकता है आप 7, 8, 9, यहाँ पर मैं 7 चेन से इसे जॉइंट करूँगी मेरे नाप के हिसाब से। आप एक दफ़ा नाप लीजिए दोनों साइड पर खींच कर, और बीच में कितना 1.5 इंच का अगर अंतर रहता है दोनों के बीच में कमर के ऊपर डालने से, तो आपको 1.5 इंच में अपनी आप कितनी चेन ले सकते हैं 1.5 इंच में उतनी चेन आपको यहाँ पर लेनी है। तो हम किसी भी एक जगह पर धागा अटैच करेंगे। तो ये वाले छोर पर हमने धागा अटैच कर लिया है। अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चेन लेंगे, और सामने वाली जो हमारी साइड है ये देखिए, ये यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करना है हमें। स्लिप स्टिच से जॉइंट करने के बाद हम ये जो हमारी पट्टी है ये देखिए, ये पूरी आगे और पीछे की जो पट्टी है राउंड यहाँ जॉइंट तक, यहाँ पर हम एजिंग देंगे इसे अच्छी, बहुत ही प्यारी सी लगने वाली। तो ये देखिए उसके लिए हमें सीधा 3 चेन बनानी है, और जो हमारी फर्स्ट वाली चेन होगी वो 3 चेन में से जो फर्स्ट चेन होगी उसमें हमें हुक को डालना है। तो फर्स्ट चेन में हुक डालकर हमें धागा खींचना है यहाँ से, और ये वाली स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, और फिर उसी वाली स्टिच में हमें अगेन दूसरा डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए ये दूसरा, अब इसे हमें ये देखिए ये वाला जो साइड स्टिच साइड डबल क्रोशेट है उसे छोड़ देना है, और नेक्स्ट रो में जो साइड डबल क्रोशेट है उसमें हमें अटैच कर लेना है स्लिप स्टिच से। अब हम अगेन 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे, और ये देखिए जहाँ पर हमने अटैच किया था स्लिप स्टिच से वो वाले पोर्शन में हम इस तरीके से थ्रू आउट हुक को डालकर ये देखिए इस तरीके से हम डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशेट बना लेंगे, और उसे ये देखिए ये नेक्स्ट वाली जो रो है उसमें यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अगेन 1, 2 और 3 चेन बनाकर ये देखिए ये अगला वाला जो हमारा ये था डिज़ाइन उसमें हम इस तरीके से थ्रू आउट हुक डालेंगे और एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर उसी में दूसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे, और जो नेक्स्ट रो का साइड स्टिच है यानी कि साइड डबल क्रोशेट है उसमें हमें स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से यही एजिंग को हमें रिपीट करते हुए ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर जहाँ पर हमने 7 चेन की शुरुआत की थी वहाँ तक हमें ये पूरी डिज़ाइन बना लेनी है। और सेम वे हमें ये वाली साइड भी, ये देखिए ये टॉप की जो दूसरी वाली साइड है उसे भी 7 चेन बनाकर जॉइंट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम धागा अटैच करेंगे, अगेन 7 चेन बनाकर उसे यहाँ जॉइंट कर लेंगे, और फिर जो डिज़ाइन मैंने आपको बनाने सिखाया अभी अभी उसी डिज़ाइन को हम ये पूरे एरिया में इसे इस तरीके से ये देखिए ये पूरे एरिया में हम उसे एजिंग दे देंगे। तो उसके बाद हमारा ये जो नेकलेस टॉप है वो पहनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं इसे पहन कर ही आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर टॉप। आई होप आप सभी को ये नया वाला डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कीजिए, ताकि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे वीडियो आगे आपके लिए लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले फ्राइडे को, तब तक के लिए बाय बाय।